तीन सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश वित्तविहीन प्रबंधक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसके संबंध में प्रबंधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने बताया कि दो साल से कोरोना के कारण विद्यालयों में शिक्षण कार्य बंद होने से विद्यालय से जुड़े शिक्षकों एवं कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। जीविका का कोई अन्य साधन ना होने के कारण उनके परिजनों के सामने 2 जून की रोटी के लाले पड़े हैं, जबकि आपकी सरकार इस संकट काल में लोगों का जीवन बचाने में सफल रही। जीवन रह कर क्या करेगा जब जीविका ही नहीं रहेगी। तीन सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश वित्तविहीन प्रबंधक संघ ने मांग किया है कि ग्रामीण इलाकों में संसाधन के अभाव में ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चल रही हैं, जिसके कारण फीस नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में आपसे मांग की जाती है कि विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी जाए, अन्यथा की स्थिति में विद्यालयों से संबंधित प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों को भुखमरी से बचाने, विद्यालयों का किराया, बिजली का बिल भुगतान करने के लिए सम्मानित राशि का भुगतान किया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्रा ने कहा, प्रबंधक संघ जय प्रकाश मिश्र। देखिए, आज उत्तर प्रदेश वित्तविहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के बैनर तले प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र भेजा गया है। इस मांग पत्र में ये कहा गया है कि हमारे विद्यालय कोरोना के चलते लगभग 1.5 वर्षों से बंद चल रहे हैं, हमारा 3 सत्र डिस्टर्ब हुआ है। ऐसी दशा में हमारे प्रबंधक, शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी भुखमरी के कगार पर हैं। जिन प्रबंधकों ने किराए पर या लोन पर गाड़ियां ले रखी हैं, उसकी किस्त नहीं दे पा रहे हैं और अपने विद्यालय भवन के बिजली का बिल वो नहीं चुकता कर पा रहे हैं, आजीविका का संकट आ गया है, भुखमरी की स्थिति झेल रहे हैं। ऐसे स्थिति में उत्तर प्रदेश की सरकार हम विद्यालयों को कोरोना राहत राशि उपलब्ध करावे और इसके साथ ही हमारे विद्यालयों के बिजली का बिल माफ़ करते हुए जिन विद्यालयों ने विद्यालय वाहन ऋण पर ले रखा है उनकी किस्त को टालते हुए माफ़ किया जाए। ये सब मांगे हम लोगों की आज के मांग पत्र में रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं अन्य सक्षम अधिकारियों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग सभी प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, कोरोना के चलते बंद नहीं हैं, हमारे विद्यालयों को भी खोला जाए। अगर कोरोना की स्थिति शुरू होती है पुनः तो पुनः बंद कर दिया जाए, किंतु अभी हम लोगों के विद्यालयों को खोला जाए, अभी एक मांग हम लोगों की है आप लोगों के माध्यम से।